हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रैली में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आमजन ने दिखाया आक्रोश। भाजपा नेताओं ने भरी बदलाव की हुंकार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से आयोजित जन आक्रोश रैली में दिखा आमजन का गुस्सा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी हैं। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा नेताओं ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। बाड़मेर, कांग्रेस की राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली निकाली गई। जन आक्रोश रैली एवं आम सभा के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश की गहलोत सरकार और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ आम जन के साथ एकजुटता दिखाई। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। महावीर पार्क के पास बने धरना स्थल मंच से वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की 3 साल की विफलताओं को गिनाया। इसके बाद राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर राज्य में व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं स्थानीय सांसद कैलाश चौधरी ने जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार के कुशासन एवं जन विरोधी नीतियों पर हमला बोला। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और आम जन परेशान है। इस दौरान कैलाश चौधरी ने बाड़मेर की धरती से कार्यकर्ताओं और लोगों से जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, पेट्रोल डीजल के भावों में कोई कमी नहीं हो रही है, गहलोत सरकार की कारगुजारियों से बिजली के बिलों में करंट दौड़ रहा है, वही जनता के आक्रोश का पारा आसमान पर है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के जयपुर में हुई तथाकथित महंगाई हटाओ रैली को राजनीतिक पाखंड और धोखा बताया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि रैली में सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। कांग्रेस के इस रैली में आम जन का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया है। पिछले 3 साल में महिलाओं और दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। राजस्थान सरकार की यही वानगी बताने को है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने 2018 में प्रदेश के किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ अभी तक इसमें लीपा पोती के अलावा कुछ नहीं किया। गहलोत सरकार पर आम जन से वादा खिलाफी का आरोप। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बेरोजगारों को कहा था बेरोजगार ही भत्ता देंगे, लेकिन राज्य सरकार ने युवाओं को धोखा दिया। पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी ने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान को शांत प्रदेश माना जाता था, लेकिन अब राजस्थान को अपराधों की राजधानी कहा जा रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष आदुरा मेघवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव में आम जन से कांग्रेस की जन विरोधी सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया। वही बालोतरा भाजपा जिलाध्यक्ष महेश चौहान ने पार्टी कार्यकर्ताओं से गहलोत सरकार के कुशासन से आम जन को अवगत करवाने की बात कही। ये रहे उपस्थित सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, चौहटन के पूर्व विधायक तरुण राय कागा, भाजपा प्रदेश मंत्री के विष्णोही, भाजपा उपाध्यक्ष खुमान सिंह सोडा, डॉक्टर जालम सिंह रावलोत, जिला महामंत्री बालाराम व स्वरूप सिंह खारा, उप जिला प्रमुख खेताराम कालेवा, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप पालीवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एडवोकेट स्वरूप सिंह राठौड़ व गणपत बांटिया, वरिष्ठ नेता रतनलाल बोहरा, रूप सिंह राठौड़, संपत राज बोथरा, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी ललित बोथरा, चंपन सिंह भवरिया चौहटन, प्रधान रूपाराम सारण, फागलिया प्रधान मुकेश कोहली, पूर्व मंत्री अशरफ अली तेली, डॉक्टर राधा रामावत, महेंद्र सिंह राजपुरोहित, रणवीर सिंह भादु, वीरमा राम मेघवाल, संत राजू दास भिल एवं अकबर खान सहित भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में आम जन की मौजूदगी रही। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ इन्होंने ये कहा, जब इतना बड़ा राजनीतिक दल का कार्यक्रम हो और जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने के बजाय अपने घर में अलमस्त बैठे हो, हमने जिला कलेक्टर की कुर्सी पर अपना ज्ञापन रखकर अपना रोष और अपना विरोध प्रकट किया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग हों और ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्टर मैदान में हो। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे असंवेदनशील बेपरवाह कलेक्टर के विरुद्ध में कार्रवाई करें, क्योंकि ये जनता की आवाज है। जनता का की भावनाओं को ज्ञापन में पिरोकर हम लेकर गए और जिला कलेक्टर अपनी कुर्सी पर नहीं मिले, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। देखिए, ये प्रदेश स्तर पर जो हमारा मांग पत्र है वो कानून व्यवस्था से संबंधित है,
वो सरकार ने विकास के नाम पर जो फैलाव के आपसे संबंधित है इसके ज्ञापन के माध्यम से जहाँ किसान की समस्याएं हैं, चाहे वो खाद की समस्या हो, चाहे दूसरी समस्या हो, पानी की समस्या हो, उन सबको इस जिले के अंदर जो समस्याएं हैं उन सबको इंगित लिख के हमने ज्ञापन में लिखा है। परंतु जिला कलेक्टर का नहीं होना ये मेरे जीवन में पहला मौका है जब जिला कलेक्टर पर सरकार ने प्रजातंत्र को छोटा करने का काम किया है। ऐसे लापरवाह नादिर साहब कलेक्टर को इस कुर्सी पर बैठाया, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।